गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईवीएस सब्जेक्ट पेज नंबर 210 लेसन नंबर 3 हर्ब्स। हर्ब्स कैसे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट? छोटे प्लांट्स होते हैं और उनका जो स्टेम्स मीन्स तना होता है वो कैसा होता है? पतला, हरा और नरम होता है। हर्ब्स जो होते हैं वो सीजनल प्लांट्स होते हैं, मीन्स मौसमी पौधे होते हैं और कुछ ही महीनों के लिए केवल जीवित होते हैं। मिंट, तुलसी, कोरिएंडर, लेमन ग्रास हर्ब्स हैं और इनका यूज भोजन में स्वाद के लिए होता है और कुछ हर्ब्स का यूज दवाइयों में भी होता है। लुक एट दिस पिक्चर, ये हर्ब्स के पिक्चर्स हैं। कोरिएंडर, लेमन ग्रास, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स के जो पौधे होते हैं वो स्टीम जो होती है उनकी स्टेम्स किसकी होती है? कमजोर तने की होती है और कमजोर तने के होने के कारण उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है तो वह पेड़ों के चारों तरफ लिपट जाते हैं। पी प्लांट्स, ग्रेप वाइन्स, पीटर ग्राउट, ये सब क्लाइंबर्स के एग्जांपल्स हैं। क्रीपर्स, क्रीपर्स के जो प्लांट्स होते हैं उनका भी जो तना होता है कमजोर होता है और उनकी जो शाखाएं ब्रांचेस वो कैसे होती है? पतली होती हैं और वो जमीन के पास बिल्कुल नीचे उगते हैं। उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, पम्पकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, बॉटल गाउट, ये किसके एग्जांपल्स हैं? क्रीपर्स के एग्जांपल। लुक एट दिस पिक्चर्स, ये पम्पकिन मींस कद्दू का पिक्चर है, ये वाटरमेलन मींस तरबूज का पिक्चर है, ये क्रीपर्स हैं। वाटर प्लांट्स, कई पौधे जो होते हैं पानी में उगते हैं और कुछ पौधे जमीन के नीचे जबकि कुछ पौधे पानी के ऊपर होते हैं। कुछ वाटर प्लांट्स जो होते हैं होलो स्टेम्स मीन्स खाली तने वाले होते हैं तो वह उनकी मदद से वो पानी में तैरते हैं। वाटर लिली, वाटर हायसेंथ और लोटस, ये कॉमन वाटर प्लांट्स हैं। चेक पॉइंट, मेज द कॉलम्स, ट्री पाइन, शर्ब, रोज, हर्ब्स, नीम, क्रीपर, पम्पकिन। ओके स्टूडेंट, मैच इट और आपको लेसन भी रीड करना है। गुड डे।